रिसेंटली आपने देखा रहेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक 21,000 करोड़ का नोटिस इशू किया है गेमिंग कंपनी को, एंड द नेम ऑफ द गेमिंग कंपनी इज गेमक्राफ्ट। यहां पर सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये है कि टिपिकली जीएसटी में दो बास्केट्स आते हैं या दो क्लासिफिकेशंस है, कि जब भी कोई कंपनी जब ऑनलाइन गेमिंग में है, वेदर दैट गेम इज बेसिकली गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। अगर वो गेम ऑफ स्किल करके क्लासीफाई होता है तो 18% का जीएसटी रेट है, अगर वो गेम ऑफ चांस करके क्लासीफाई होता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से 28% का जीएसटी उस पर लगना चाहिए। एडिशनली जो भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है यहाँ पर और जो जीएसटी अथॉरिटीज है उनके साथ एक सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट लास्ट 5 साल में जो रहा है वो ये है कि बेसिकली टोटल बेट वैल्यू, यानी कि अगर 5 प्लेयर आके 20-20 रुपया अगर बेट प्लेस कर रहे हैं तो 100 रुपया हो जाता है, तो टोटल 100 रुपये भी जीएसटी आएगा, या तो जो प्लेटफॉर्म का फी होता है यानी कि जो ऑनलाइन कंपनी हो सकता है गेमिंग कंपनी 10-20 रुपये जो चार्ज कर रही है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो ये सबसे दो क्रिटिकल इश्यूज ये इंडस्ट्री करंटली फेस कर रही है, और उसी के चलते हुए जो लास्ट 5 साल में जो गेमक्राफ्ट कंपनी है उन्होंने 77,000 रुपीज का जो बिजनेस किया था उसके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 28% से टोटल वैल्यू पे 21,000 करोड़ की जीएसटी की जो नोटिस इशू की है। सर्टनली ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा कि वेदर दिस नोटिस विल सस्टेन और नॉट, बट वन थिंग इज फॉर सर्टन फॉर श्योर दैट द एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री विल टेक अप दिस इशू बिफोर द जीएसटी काउंसिल, बिकॉज दिस इशू इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द जीएसटी काउंसिल एंड दे विल सर्टनली फाइल वेरियस रिप्रेजेंटेशंस। एंड यहाँ पर जैसे हमने कहा कि जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं ड्यूरिंग व्हेन दे विल बी रिप्रेजेंटिंग, द फर्स्ट वुड बी कि इसमें 18% टैक्स रेट लगना चाहिए रादर देन 28%, एंड सेकंड प्लेटफॉर्म फी यानी कि जो अमाउंट चार्ज कर रहा है गेमिंग कंपनी उसके ऊपर ही जीएसटी आना चाहिए, ना कि टोटल बेट वैल्यू पे, बिकॉज द एंटायर बेट वैल्यू इज टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टिसिपेंट्स।